हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, फाइनली कंगना रनौत का भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एक रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना रिएक्शन दिया है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत का कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए अत्याचारों पर गुस्सा फूटा है और उन्होंने इसके ऊपर एक भारी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाते हुए उसमें ये भी लिखा कि द कश्मीर फाइल है शैटर्ड बॉक्स ऑफिस, टुडेज नंबर विल बी अनबिलीवेबल, मच मोर देन द एंटायर बजट ऑफ द फिल्म इटसेल्फ, द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया इज फाइनली अवेकनिंग, वंदे मातरम। साथ में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, फिल्म के एक्टर अनुपम खेर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को भी साथ में टैग किया। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने इस फिल्म को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, खुलकर इस फिल्म के लिए सामने आई है और उन्होंने बॉलीवुड माफिया लोगों के खिलाफ ये भी कहा है कि उन्हें इस फिल्म से डरने की ज़रूरत है क्योंकि ये फिल्म एक सच्चाई के रूप में सबके सामने आ गई है और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से कमाई करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये फिल्म दर्शकों के दिल में जगह बना रही है। दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है इस पे, आपको क्या लगता है? क्योंकि किसी भी बड़े एक्टर ने इस फिल्म को लेकर सपोर्ट नहीं किया है दोस्तों, और फिल्म की जब कमाई शुरू हो चुकी है और फिल्म अच्छी कमा रही है तो एक के बाद एक एक्टर्स इस फिल्म को लेकर ट्वीट करते हुए नज़र आ रहा है। पहले अक्षय कुमार नज़र आए, उन्होंने फिल्म को लेकर ट्वीट किया, उसके बाद अर्जुन रामपाल ने भी फिल्म को लेकर ट्वीट किया। दोस्तों, आपका इस पर क्या रिएक्शन है कि बॉलीवुड माफिया इस तरह से अपनी सफलता को भुनाने की कोशिश कर रहा है या फिर नहीं? दोस्तों, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।